अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे और आपकी हर विश पूरी हो, आमीन। तो नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह सब सबकी दुआओं से मैं ही बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए नाजरीन, आज इसी आगाज़ के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा कुकिंग व्लॉग। तो नाजरीन मैं आज बनाने लगी हूँ दाल चा। तो नाजरीन आपको पता था मैं कल या परसों मैंने डिश डाली थी, उसमें कद्दू मेरा बच गया था। मैंने सोचा ज़ाया होने से तो अच्छा है मैं कुछ इसमें बना लूँ, तो मैंने सोचा कद्दू डाल के मैं दाल चाय ही बना लूँ। तो मेरे तरीके से नाजरीन उम्मीद करूँगी आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए नाजरीन, ये बिरयानी के साथ बहुत बनाते हैं, बहुत सबकी फेवरेट होती है बिरयानी, के बिना तो ये तो अधूरा होता है। हमारा दाल चा रायता भी बनता है, बट हमारे यहाँ हर जगह दाल चा ज़रूर बनता है जब बिरयानी बनती है। तो चलिए नाजरीन उम्मीद भी करूँगी आप सबको पसंद आएगा मेरे तरीके से। तो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, चलते हैं किचन में, फिर हम आज बनाएंगे दाल चा। तो नाजरीन जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और लाजमी लाइक कीजिएगा। तो चलिए नाज़रीन चलते हैं किचन में, फिर हम आज बनाएंगे दाल चा। तो जैसे नाज़रीन मैंने बताया था कि मैं आज बनाने लगी हूँ दाल चा। तो नाज़रीन मैंने सोचा, आपको ही पता है मैंने एक दिन पहले मैंने कद्दू मैंने लिया था, मैंने आपको बताया था, तो मैंने सोचा वेस्ट क्यों करना है, इसमें हम आज बनाएंगे दाल चा। तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है चाहिए ना नाजरीन, आपको भी पता है मैं कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती। तो मैंने सोचा चलिए आज कद्दू भी है तो साथ साथ हम दाल चा ही बना लेते हैं, क्योंकि अक्सर दाल चा में हमारा कद्दू ही जाता है, वो भी देखिए माशाल्लाह से। तो चलिए नाजरीन हमारे दाल चा में कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत है पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक प्याज लिया नाजरीन, इसको मैंने काट ली है लंबी लंबी सी। फिर नाजी मैंने पुदीना लिया है, मैंने उसको भी काट के ले लिया है। फिर एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। फिर मैंने थोड़ी धनिया और मैंने 3 से 4 दालचीनी और 4 मैंने लौंग, 3 इलायची ली है। फिर मैंने 7 से 8 हरी मिर्च लिया है और इनको दरमियान से कट कर लिया है, ठीक है नाजी। फिर मैंने और एक बड़ी प्याज ली है, उसको भी मैंने इस तरह से काट लिया है। और मैंने पूरे 1/4 किलो तुअर की दाल दी है, देखिए नाजी माशाल्लाह से मैंने अच्छे से वॉश करके मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख लिया था। फिर मैंने 1/2 किलो टमाटे लिए नाजे, हमारे 1/4 किलो दाल में 1/2 किलो टमाटे मैंने लिए हैं। फिर मैंने तो आपको तो दिखाया था कद्दू, मैंने जो मैंने उस दिन भी दिखाया था अभी दिखा रही हूँ, मैंने जिसको भी अच्छे से इस तरह के पीसेस बना के मैंने रख लिया है। फिर नाजे हमारे सूखे मसाले में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और अपने हिसाब से नमक। फिर नाजिन मैंने लिया है पालक, ठीक है नाजिन मैंने लिया है पालक, देखिए मेजरमेंट के लिए मैंने अच्छे से वॉश करके इसको कट करके रख लिया है। तो चलिए नाजिन टाइम ज़्यादा नहीं करेंगे, जल्दी से बनाते हैं हम आज टेस्टी सा दाल चा। हर चीज़ में खा सकते हैं नाजिन, ये तो ऑलमोस्ट बिरयानी के बिना ये अधूरा है अगर दाल चा ना बने तो। बहुत अच्छा बनता है रायते के साथ, ये अक्सर यहाँ पे बहुत लोग खाते हैं, यहाँ पे इंडिया में बहुत लोग पसंद करते हैं बिरयानी, जब भी पकती है तो दाल चा ज़रूर बनता है। तो चलिए उम्मीद भी करूँगी आप सबको पसंद आएगा, मेरे तरीके से बना के दिखाऊंगी नाजिन। सबसे पहले तो नाजिन मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, ग्राइंड कर इन सब दाल के सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे, फिर मैं दिखाऊंगी। तो नाजिन देखिए मैंने एक कुकर लिया है, कुकर के अंदर हम डाल देंगे हमारी तूर दाल को। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे साथ ही साथ जो हमने रखा हुआ है प्याज इसको, और जो पालक मैंने अच्छे से वॉश करके रखी है नाजिन हम इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। नाजिन अब हम इसको बिना कुछ डाले, नमक हल्दी कुछ बिना डाले हम इसको ले लेंगे पूरे 4 या 5 सीटी, ठीक है नाजरीन इसको ले लेंगे। फिर मैं तब तक मैं भी इसे पेस्ट बना लूंगी जब तक हमारी सीटी नहीं आ जाती। तो चलिए नाजरीन थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। तो नाजरीन देखिए मैंने 4 सीटी ली थी, अच्छे से हमारी दाल पालक अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम इसे कुछ नहीं करेंगे। फिर नाजरीन मैंने जो आपको बताया था धनिया और हमने रखा था इलायची, उसके साथ साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि नाजिन वो ठीक से नहीं पिसा जा रहा था, आपको ही पता है ऐसा होता है, कम चीज़ें जार में हमारी इतना जल्दी नहीं पिसती। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है, तो आप भी अगर नहीं हुआ तो इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए तो नाजिन देखिए मैंने ऑयल डाल लिया है एक बर्तन में 1 बड़ा चम्मच, और हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने अलग से काट के रखी थी 1 बड़ी प्याज, अब इसको ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम हल्की सी ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे नाजिन, ठीक है, फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो नाजरीन देखिए प्याज हल्की सी पक चुकी है, हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हमारे दालचीनी में इतनी ब्राउन नहीं जाती है प्याज, तो इसलिए हल्की सी बस हम पका लेंगे प्याज को। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नाजरीन जो मैंने पेस्ट बना के रखा था इसको, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
इसको अच्छे से, इसको भी हम इसी के साथ साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ठीक है नाजिन, फिर नाजिन हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने काट के रखा हुआ था पुदीना। ये रही, ये लाजमी डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है नाजिन। अक्सर लोग, बहुत लोग नहीं भाते, बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है हमारे दालचे में। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसी के साथ साथ नाजिन हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने रखा है सूखे मसाले, नमक मिर्च अपने हिसाब से नाजिन मैं बता रही हूँ। और इसी के साथ साथ जो मैंने हरी मिर्च ली थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हमें अच्छे से सारी चीज़ों को फ्राई कर लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कद्दू को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाजिन देखिए, कद्दू डालने के बाद 2 या 3 मिनट आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने काट के रखे हैं रफली। नाजरीन, इतने बारीक भी नहीं काटना है हमने दालचे में, रफली ही काटना है। तो इस तरह से टमाटर देखिए मैंने इस तरह से काटे, इसी तरह से हमने भी अच्छे से काट लेना है। अब हम इसी में अच्छे से हम कद्दू को भी गला लेंगे, फिर जाके जो हमने दाल गलाई है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 1 मिनट नाजिन मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ, फिर आपको बताऊँगी। नाजिन देखिए, मैंने टमाटर भी अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, मैं बस थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, एक बड़े गिलास से, बस एक गिलास, क्योंकि हमारा दालचा जो होता है नाजिन वो गाढ़ा होता है, इतना पतला नहीं होता। तो हम पानी देख के ऐड करेंगे, ठीक है नाजिन। तो अब मैं इसको इसी के साथ साथ अच्छे से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी। बस हमने हमारे कद्दू का गलने का वेट करना है नाजिन, फिर हम इसमें जो मैंने दाल गला के रखी है वो ऐड कर देंगे। तो नाजिन देखिए, मैंने 5 मिनट अच्छे से पका लिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए नाजिन कितना प्यारा लग रहा है, हमारे कद्दू भी ऑलमोस्ट पक चुके हैं। तो चलिए नाजिन और ज़्यादा पक जाएं, क्योंकि हमें इसमें दाल डालने के बाद भी और थोड़ा पकाना होता है, तो वो उसमें परफेक्टली पक जाएंगे। तो 1 मिनट नाजिन देखिए, मैंने दाल को इसमें शिफ्ट कर लिया है और आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए इधर इधर से भी मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था तो मैंने नमक ऐड कर लिया है। स्पाइसी तो परफेक्टली ठीक था नाजिन, तो मैंने इसमें ऐड कर लिया था बस नमक। तो आप भी अपने हिसाब से नमक स्टेप चख लेना। तो चले नाजिन, मैं इसको एक उबाल आने देती हूँ, पक जाए तो फिर हमारी तैयार हो जाएगा दाल चा। तो देखिए नाजिन माशाल्लाह, अगर आपको फुल गाढ़ा है, अगर दाल में पानी नहीं है तो आप पानी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो नाजिन देखिए, अच्छे से पकने लगा है हमारा दाल चा और हमारे कद्दू जो भी है नाजिन, देखिए माशाल्लाह से अच्छे से वो ये भी गल चुके हैं। तो अब हो गया है हमारा तैयार दालचा। तो बस मैं 5 मिनट के लिए नाजिन लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको दम पे लगा देंगे, फिर मैं आपको इसका पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो नाजिन देखिए, हमारा दालचा बन के तैयार हो चुका है, का पूरा फाइनल लुक माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और उम्मीद भी करूँगी नाजिन आप सबको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ नाजिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और लाजमी लाइक कीजिएगा नाजरीन प्लीज़। मैं तो जब से मैंने स्टार्ट किया है नाजरीन, चैनल ओपन किया है, तब से लेकर अब तक मैंने कभी भी मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया, हर रोज़ वीडियो डालती हूँ, हर रोज़ मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ नाजरीन मेरी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए नाजरीन, आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं एक ताज़ा नई रेसिपी के साथ आपके बीच में आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे और आपके हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़ नाजरीन, टेक केयर, दुआ में याद रखना और मुझे सपोर्ट करना ना भूलिएगा।